नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज, मनोज प्रजापति के साथ दिल्ली से। दिल्ली के छावला से आई बड़ी खबर, झगड़ा सुलझाने गए हेड कांस्टेबल को कुख्यात बदमाश ने मारा चाकू। दिल्ली के छावला क्षेत्र इलाके में झगड़ा सुलझाने गए पुलिस की टीम में शामिल हेड कांस्टेबल रिंकू को एक कुख्यात बदमाश सन्नी ने चाकू मार दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने सन्नी व उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार किया। घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई गई है। चलिए सीधा ले चलते हैं डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन के पास, क्या कहना है उनका इस बारे में। कल रात 8:30 बजे छावला थाने के अंतर्गत कुतुब विहार एरिया में हमारे पीट ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, हेड कांस्टेबल रिंकू और एएसआई सुनील। उनको एक खबर मिला और एक पीसीआर कॉल भी हुई कि वहाँ पर एक झगड़ा हो रहा है, जिस पर तुरंत अलर्ट थे, तुरंत वहाँ पहुँचे। एक ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा किया था। जब उन लड़कों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल रिंकू वहाँ पर आगे बढ़े और एक को पकड़ लिया, तो हेड कांस्टेबल रिंकू को 2 चाकू एक लड़के ने मार दिया। उस लड़के की पहचान उस छावला थाने के डीसी सन्नी के रूप में की गई। हेड कांस्टेबल रिंकू को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक स्टैब इंजरी थोड़ा डीप है, कंडीशन अभी स्टेबल है और ट्रीटमेंट चल रहा है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन यूनिट के सारे टीम और जो हमारे छावला थाने की टीम जो अलग अलग एंगल पे काम करते हुए अक्यूज्ड पर्सन को पकड़ने के लिए रात भर अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही थी। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई भाई रोड है कुतुब विहार एरिया में, वहाँ पर एक कमरे में ये लड़के छुपे हुए हैं कुछ लड़के। उस इन्फॉर्मेशन पे जो हमारी टीम वहाँ रेड करने गई तो उन पर फायरिंग किया गया। इन सेल्फ डिफेंस हमारी टीम ने भी 3 राउंड फायर किया, जिससे कि जो सन्नी है उसको 2 राउंड गोली लगा है। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, उसका भी कंडीशन अभी स्टेबल है। टोटल 3 लड़कों को उस कमरे से पकड़ा गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो बाकी जो कोर्ट भाग रहे हैं उनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं।